हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तैयारी के लिए बुक्स बताइए, तो आज मैं आपको तैयारी जो आप कर रहे हैं एग्ज़ाम की, आर्ट से रिलेटेड, उनकी बुक्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और जो मेरे पास हैं और जिनसे मैं पढ़ती हूँ उनके नाम मैं आपको बताऊँगी। और मुझे लगता है शायद आपके पास ये बुक होंगी भी, क्योंकि कॉमन बुक हैं, यही बुक ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप पीजीटी और केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी की तैयारी करें तो आपको इंडियन आर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इंडियन आर्ट अच्छी होनी चाहिए आपकी तैयार, तो आप भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, ये वाली बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। ये रीता प्रताप की है, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, ये आपके पास ज़रूर होगी। और इसमें आपको सारी बेसिक चीज़ें, मतलब आपका अगर आधार कहें तो इससे बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। हर चीज़ एकदम, मतलब बेसिक तौर पे जो है सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए, देखिए ये तो एक बेस हो गया आपका, इसमें लगभग सब कुछ दिया है। मुझे तो लगता है ज़्यादातर सब इसी से ही आ जाता है, ठीक है, अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। बाकी अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो इसके पीछे देखिए, इसमें बुक के नाम दिए हुए हैं, हर चीज़ की अलग अलग शैली की अलग हैं, किशनगढ़ शैली की अलग है, पाश्चात्य कला की अलग है, और मतलब हर चीज़ की, समकालीन भारतीय कला की अलग है, मतलब इसमें जो कलाकार दिए हैं उनके अलग अलग, हर चीज़ की अलग बुक आती है, ठीक है। तो आप वो भी खरीद सकते हैं इसके पीछे देख के, जो भी आपको अच्छी लगे, तो ये वाली बुक आप खरीद सकते हैं, ठीक है। और दूसरी है मूर्तिकला के लिए, भारतीय मूर्ति शिल्प एवं स्थापत्य कला, ये है मीनाक्षी कासलीवाल की, ये भी आपके पास ज़रूर होगी। तो ये मूर्तिकला के लिए बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर पूरा चालुक्यकालीन, मध्यकाल, गुप्तकाल और सब कुछ, मतलब आलोर इसमें दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा दिया है, अच्छा लिखा है। वही अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि इस समय कुछ अलग से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, ऐसा लगता है जैसे बुक से नहीं आया है, तो उसके लिए आपको विकिपीडिया का यूज़ करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा विस्तार में और ज़्यादा फैल गई हैं कि हाँ कुछ और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो आप गूगल पे जाके सर्च करके कोई भी आपने टॉपिक ले लिया, उसको पढ़ लिया इसमें से, उसके बाद उस पर सर्च कर सकते हैं। अब तो सबके पास अच्छे अच्छे फ़ोन हैं। और उसके बाद है प्राचीन भारत का इतिहास, ये भी आप पढ़ सकते हैं, वीडी महाजन की है प्राचीन भारत का इतिहास, इसको अच्छे से, मतलब पूरा डिटेलिंग बहुत अच्छा सा दिया है इसमें, इंटरेस्टिंग है। ज़्यादा डिटेलिंग पढ़नी है, ज़्यादा डीपली में पढ़ना है तो आप इसको ले सकते हैं। मध्यकालीन भारत की भी बुक आती है, ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए एक और है, अगर कलाकार की बुक हम मैं कहूँ, ठीक है, तो समकालीन भारतीय कला, ये डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की बुक है, ठीक है, ये समकालीन भारतीय कला, तो इसमें जो है कलाकारों के बारे में दिया हुआ है और आपका जो आधुनिक काल के बाद से सारी चीज़ें इसमें दी हैं, जैसे कहाँ कहाँ कौन कौन से आर्ट स्कूल बने थे और ये समूह जो, मतलब जो कलाकारों के जो समूह की स्थापना हुई थी उनके बारे में दिया है, संस्थाएं हुई थी उनके बारे में दिया है, कलाकारों के बारे में दिया है, लेकिन बहुत, मतलब पहले के कलाकार हैं, ठीक है, मतलब अब तो बहुत नए नए कलाकार पूछे जाने लगे हैं, तो इसमें जो है वही अवनींद्रनाथ टैगोर और अशोक गौड़, मतलब दिए हैं लेकिन थोड़ा सा पुराने कह सकते हैं इसमें कलाकार दिए, लेकिन सारे इम्पोर्टेंट हैं, आते हैं, ये तो ज़रूर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बुक है। और एक देखिए ये किशनगढ़ चित्र शैली की, ठीक है, तो ये अलग से मैंने मंगाई थी, मुझे मतलब पढ़ना था अलग से शैली के बारे में, तो ये भी ऐसे इस तरीके से इसमें बुक के पीछे सबके नाम दिए रहते हैं, तो आप ऐसे भी अलग से मंगा सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है अलग से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक और है आधुनिक भारतीय चित्रकला, ठीक है, इसमें भी कलाकारों के बारे में दिया है, ये डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल की है, तो वैसे तो आपको मैं यही वाली बुक कहूँगी, ये वाली मंगाइए, इससे बेहतर है ये समकालीन भारतीय कला, ये जो है डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की, ठीक है, पढ़ सकते हैं। देखिए सब में एक ही चीज़ दी रहती है, थोड़ा थोड़ा सबके लिखने का तरीका, किसी का सरल है किसी का कठिन, किसी में कुछ अलग अलग जानकारी दी रहती है, ठीक है, तो ज़्यादा के लिए आप पढ़ सकते हैं, वैसे ये बहुत अच्छी है, इतना आप पढ़ लीजिए, ठीक है।
उसके बाद अगर आपको मतलब नए कला, ये आपका इंडियन इतना हो गया, आपको अगर आप रीता प्रताप की बुक पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी कुछ उसमें तैयार हो जाएगा इंडियन आर्ट में। और देखिए ये एक आती है बुक वृहद आधुनिक कला कोर्स, ठीक है, ये है विनोद भारद्वाज की, इन बुक का नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा चर्चित पुस्तक है ये, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा लिखा है, पढ़ेंगे आप तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे एकदम स्टोरी टाइप की ये बुक है, ठीक है। तो इसमें मतलब नए नए कलाकारों के बारे में दिया है, बहुत सी चीज़ों के बारे में, कुछ वादों के बारे में दिया है, कला और बाज़ार इस तरीके से ना टॉपिक वाइज हर चीज़ को दिया है, लेखक मतलब कलाकारों से जो इंटरव्यू लिया गया है उनके बातें भी इसमें लिखी हुई हैं, अच्छे अच्छे कलाकारों की, और नए कलाकार भी आपको मिलेंगे। यूपी के कलाकार आप पूछते हैं तो इसमें आपको लगभग कुछ मतलब ज़्यादातर कलाकार इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कलाकारों के बारे में अगर पढ़ना है तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, मतलब काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो ये बुक तो बहुत अच्छी है, बेस्ट है, आप ले सकते हैं। और ये देखिए एक मेरे पास और भी है इस तरीके से अलग से, सिंधु घाटी सभ्यता एक परिचय, तो ये वाली बुक भी अच्छी है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दिया है। जैसा कि अगर आप मतलब अन्य किताबों में पढ़ेंगे उसमें इतना नहीं दिया रहता, अलग से जो बुक मंगा लेते हैं उसमें अच्छा दिया रहता। तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय से मैंने ली थी यहाँ दिल्ली में जाके, ठीक है। तो कहीं भी घूमने जाइए, आपको कोई भी अच्छी किताब मिले तो ज़रूर ले लीजिए, सारी किताबें अच्छी होती हैं। और उसके बाद अगर हम पश्चिम कला की बात करें, ठीक है, तो पश्चिम कला के लिए आप ये अशोक की किताब ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक इंडियन हिस्ट्री के लिए रीता प्रताप की जैसी बुक है उस तरीके की, इसकी अविनाश बहादुर वर्मा की भी बुक आती है, वो भी अच्छी है, वो भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। और तो पश्चिम कला की जो है वो है अशोक की किताब, ये बहुत अच्छी है, टफ थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लिखी है, लेकिन एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीसरी बार आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, बहुत डीपली हर चीज़ दी हुई है, ठीक है, सारा कुछ स्टार्टिंग से दिया हुआ है इसमें, और वही स्वच्छंदतावाद तक इसमें दिया है, ठीक है। लेकिन जो शुरुआत की जो चीज़ें हैं, जैसे रोकोको हो गया, बारोक हो गया, और मतलब रीतिवाद हो गया, रेनेसा हो गया, वैजेंटाइन, और ये जितना कुछ है सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से में लिखा है। तो इसको तो आप जरूर, अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है ये, पश्चिम की कला अशोक की। उसके बाद एक और बुक है ये पाश्चात्य कला डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की, ठीक है। तो इसमें भी मतलब यही प्रागैतिहासिक काल से और वही स्वच्छंदतावाद तक का इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी है, लेकिन ये आप पश्चिम की कला अशोक की ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। बाकी पढ़ सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा इसमें आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो अशोक वाली है वो ज़्यादा अच्छी है किताब इसकी। और एक ये है यूरोप की आधुनिक कला, ठीक है। तो इसमें जो है आपका 1850 ईस्वी, यानी कि मतलब सारा वही जो नए कलाकार यथार्थवाद, और इसमें शुरुआत से जितने वाद जहाँ से स्टार्टिंग होती है, नवशास्त्रीयतावाद वगैरह से, ठीक है, तो वहाँ से शुरू होकर ये आपको आखिरी पॉप आर्ट तक इसमें दिया हुआ है, सारा कुछ इसमें मिल जाएगा, सारे कलाकारों के बारे में भी दिया है, सारे वाद हैं उनके बाद। और ये बुक बहुत अच्छी है, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, और मतलब अच्छी लैंग्वेज लिखी है, अच्छा लगता है इसको पढ़ते हुए, समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाता है, इससे तो आप ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। और एक और है आधुनिक चित्रकला का इतिहास, ये भी पश्चिम की है, इसमें केवल कलाकारों के बारे में दिया है, ज़्यादा मतलब वादों के बारे में लिखा है, लेकिन कलाकार जो पश्चिम के हैं उनके बारे में ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। तो रवि साखलकार की है, तो वो भी ये भी आप ले सकते हैं, अच्छी बुक है। और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सौंदर्य शास्त्र की भी एक बुक ले सकते हैं, ये डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की, ठीक है, तो ये भी पढ़ सकते हैं, इसके भी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में भी आते हैं और इधर भी आ जाते हैं, इनके कथन जो होते हैं। और आप ये एक छापा कला, अगर छापा कला की तैयारी करनी तो ये भारतीय छापा चित्रकला ये बुक ले लीजिएगा, ठीक है। ये सुनील कुमार की है, अच्छी बुक है, इसमें अच्छा लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, सारा कुछ मतलब प्राचीन से लेके इसमें भी सारा कुछ दिया हुआ है, अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। और अभी जो है एक और बुक है, ये बहुत अच्छी है, ये भी कला के नवीन स्वरूप, ये है नरेंद्र सिंह यादव, इनकी बुक आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है,
प्रैक्टिकल तरीके से सारी चीज़ें दी हैं, मतलब जैसे रंगों के बारे में और जो मतलब रंग के बारे में दिया हुआ, रेखा के बारे में दिया है ऐसे फंडामेंटल टाइप से, और मूर्तियाँ जो बनी हैं कैसे बनी है, लकड़ी का काम कैसे होता है और जो क्ले में काम कैसे होता, पूरा मतलब विधि जैसे मतलब उसका पूरा तरीके से लिखा है कि आप इसके बाद क्या होता है, मिट्टी कैसे मतलब ये मिट्टी की मूर्ति कैसे बनती है और धातु की मूर्ति कैसे बनती है, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, अच्छी है। फोटोग्राफी के बारे में भी और कुछ थोड़ा बहुत दिया है, तो कला के नवीन स्वरूप भी अच्छी बुक है, ले सकते हैं अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं। और एक ये और आती है ग्राफिक डिज़ाइन की, ठीक है, तो ये नरेंद्र सिंह यादव की ये भी है, ये भी आप ले सकते हैं, इसमें भी काफ़ी कुछ दिया है पढ़ने के लिए, फोटोग्राफी विज्ञापन इससे संबंधित थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही बुक है मेरे पास, इन्हीं से मैं पढ़ाई करती हूँ, और भी कुछ हैं एक आदि, और ज़्यादातर यही बुक आती हैं। और बाकी अगर आपके पास कोई अच्छी बुक हो तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा, मैं भी लूँगी बुक और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी मेरे पास तो यही बुक्स हैं और मुझे लगता है इतनी ठीक है, बाकी तो आप जितना भी पढ़ना चाहें कम है और आप ले सकते हैं बुक। और अगर आपको भी कोई अच्छी बुक आपके पास हो, इससे बेहतर हो, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। तो ये बुक ले लीजिए अगर आपको समझ में आती हैं। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।